This place is so dirty. इसे असली दुनिया कहते हैं शिवाय। Really? हम भी असली दुनिया में ही रहते हैं। नहीं शिवाय, हम एक शीशे के महल में रहते हैं जहां से दुनिया दिखती है पर उसे महसूस नहीं कर पाते। मिट्टी दिखती है पर मिट्टी की खुशबू नहीं आती। इन्हें शिवाय कभी कभी हाथ बढ़ा के उस मिट्टी को छूना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। जिंदगी गाइस प्लीज, हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफरेंशिएशन थोड़ी करने हैं, हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करने आए हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है। Exactly. और हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है, वो पोस्टर। उसी से उस लड़की का घर ढूंढना। I still feel हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए। भैया। हाँ। एजेंट रूडी होते आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो जीरो और एक और जीरो जीरो। रिलैक्स गाइस, आई थिंक हमें दो टीम में बटकर काम करना चाहिए। टू बी फास्ट। यस, मैंने कहा थी टीम में। या प्लीज, एक का बोलना मन नहीं होता और दूसरा टोटली डम। भैया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं ज्यादा बोलता हूँ? रानी का दीदी डम है। अच्छा, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना क्योंकि आप रानी का दीदी के साथ टीम में आना चाहते हो? ओके रुता, तू किसके टीम में रहना चाहता है, शिवाय या मेरी? आपकी। ओके फाइन। आपने आज तक तो मेरे लिए ऐसे हाथ नहीं बढ़ाया। अब अपनी आंखों से मुझ पे लॉन्ग डिस्टेंस वार क्या कर रहे हो? हाँ देखते हैं पहले उस लड़की को कौन ढूंढेगा। चलें। चलो, देखा दोनों को मिलवा दिया ना। चले। आपने ये जगह देखी है? ये पोस्टर भी नहीं? नहीं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ब्रेक फेल हो गए क्या आपके? भागे जा रहे हैं। पास रहूंगा तो तुम्हें पका दूंगा ना। मैंने सुना था संगल ने फोन पे क्या कहा था। भाई साहब, एक एक्स्ट्रा वड़ा पाव मिलेगा क्या? रुद्र। हाँ। इतने छोटे से बच्चे की बात का बुरा मान रहे हैं आप? तुम्हें लगता मैं इतना पेटी कि एक बच्चे की बात का बुरा मानूंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचे क्या खाए। ओके ए बुड्ढे के पास दे दो ना, दो दे दो, दे दो ऐसे दे दो। ये लीजिए बुढ़िया के बाल, बहुत मस्त होते हैं। एक तो हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, दूसरा दिस वेरी अनहाइजीनिक। ओके जस्ट तो आपको नहीं खाना है? नहीं मत खाइए, मुझे खाना है। मिल गया क्या? मुझे पहले ही पता था इतने सारे वेंडर हैं, मूंगफली वाला जरूर होगा। भैया मसाला लगा के दो बना दो जल्दी से। चल। अरे मैंने मूंगफली बोली है। हाँ भैया आप बनाओ, मैं दो मिनट उसे लेके आया जाना ना। अब अगर पिकनिक खत्म हो गई है तो चले।
बोर्ड मीटिंग के लिए 18 घंटे से कम वक्त बाकी है और अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। अच्छा एक मिनट पकड़िए ना प्लीज, मुझे गर्मी के मारे मिचमिची हो रही है, एक मिनट पकड़िए ना। क्या कह रहे थे आप, मीटिंग के लिए कितना टाइम बचा है? Less than 18 hours, okay. मेरी फैमिली कितने टेंशन में होगी। We gotta do it fast, okay? We gotta go. तुम्हारे बुढ़िया के पास क्या? तुम्हारी नाक साफ। अब क्या हुआ? मुझे आपको पकाओ नहीं बोलना चाहिए था। पहले आप मुझे बहुत पकाते थे लेकिन अब नहीं। क्यों? तब में और अब में क्या फर्क है? पता नहीं, बस मुझे नहीं पता। चले कम। हाँ बुढ़िया के बाल के पैसे ही नहीं दिए मैंने। हाँ वेट, मैं दे रही हूँ, एक सेकंड। When we go out, I pay. मैंने कहा ना मैं दे रही हूँ। Keep the chain. चलो। कर दी ना भागड़ पिल्ले वाली हरकत। अरे पैसे तो दे दो यार, पैसे नहीं है तो सामान क्यों खरीदा? एक मिनट, तेरे पास पैसे नहीं है? पैसे तो यार। पक्के अंकल पैसे की इतनी भी क्या जल्दी है? रुद्रा आई ओके? वो लड़की को ढूंढने आए हैं, ये सब खरीदने नहीं या पक्या से दोस्ती करने नहीं आए? पक्के अंकल और पटेल काका इतने फ्रेंडली थे तो मैं क्या करता? मुझे समझा ये सब लिया क्यों? आप सामान ले लीजिए वापस। एक बार जो सामान दे दिया वो हम वापस नहीं लेते। आधा सामान तो ये खा चुका है, वो कहां से वापस दोगे? मैं आया, मैं उतर चलो। आओ एक मिनट बहन। देखो आज मेरा चीट डे, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। भैया एक प्लेट पानी पूरी। मत देना। कैंसिल। हाँ आइडिया। अब काका ये लंबे बाल वाला प्राणी आपके सारे पैसे दे देगा। एक मिनट, मैं वॉलेट नहीं रखता हूँ, ये बात तू जानता है। मेरा वॉलेट घर पर रह गया। रुद्र ये सब खरीदने से पहले सोचना चाहिए था ना डफर। आइडिया। चलो आओ, पैसों का इंतजाम हो गया, आओ। पक्के अंकल ऐसा है, मेरे भैया ना यहाँ पे कहीं पे घूम रहे, मैं उनसे लेके आपको सारे पैसे दे दूंगा। तब तक आप एक काम कीजिए, पकड़ना जरा। हाँ ऐसे ये मोबाइल फोन दे दो, ये गिरवी रख लीजिए। हाँ ये मेरा फोन। रुद्र मेरा फोन। ओ फोकस, हम यहाँ पे लड़की ढूंढने हैं, मोबाइल फोन का क्या है? आते जाते रहेंगे। चलो You're mad. You're absolutely crazy. अब पता नहीं कौन सी दीवार पे ये पोस्टर होगा। ओ सुनो ना, अच्छा गुस्सा छोड़ दो ना, ये एक खा लो प्लीज। रुद्र शट अप। ये एरिया अलग है, फोन दे। फोन पक्के अंकल को दिया ना मैंने। मेरा नहीं अपना तो फोन दे। हाँ, लो। तेरा फोन कहाँ? लगता है घर पे भूल गया मैं। What? कैसे घर पे भूल गया? फोन भी घर पे भूल गया, खुद को भी भूल के आता ना। मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करता। हाँ? आने का शिवाय कहाँ है? अच्छा सुनो एक प्रॉब्लम है। तू रुद्र सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे मैं नहीं, प्लान में एक प्रॉब्लम है। क्या?
आपको याद है अनिका दीदी ने बोलता वो मूवी लास्ट मंथ रिलीज हुई थी, तो क्या गारंटी है पोस्टर अभी तक लगा हुआ होगा? रुद्र तेरी बात में पॉइंट तो है।